Dear friends, today we are going to discuss O. Henry's Telemachus Friend. O. Henry is the popular name of William Sidney Potter, and he is an American short story writer. O. Henry was born on 11th September 1862 and he died on June 5th 1910. So let's start the story. Apni story ko start karte hain hum. Telemachus Friend jo story hai ye. सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कैरेक्टर्स की कि इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से आते हैं, इस कहानी में कौन कौन से किरदार हैं। तो जो हमारा पहला कैरेक्टर है इस कहानी का वो है टेलेमेकस हिक्स। टेलेमेकस हिक्स है जो होटल का प्रोप्राइटर है। एक छोटा सा टाउन है जो जिसका नाम है लॉस पाइनोस। लॉस पाइनोस नाम का एक छोटा सा टाउन है मैक्सिको में, न्यू मैक्सिको में। वहाँ पर एक होटल का मालिक है जिसका नाम है टेलेमेकस हिक्स। और इसके अलावा दूसरा कैरेक्टर हमारे सामने आता है पेस्ले फिश। पेस्ले फिश जो है ये हिक्स का फ्रेंड है, टेलेमेकस हिक्स का बेस्ट फ्रेंड है पेस्ले फिश। और ये जो कहानी है ये इन दोनों की दोस्ती से ही एक जुड़ी हुई कहानी है जो कि एक दोस्ती की मिसाल देती है। ऐसी कहानी है टेलेमेकस हिक्स और पेस्ले फिश की। कुछ ह्यूमर भी है कहानी में तो, लेकिन एक सच्ची दोस्ती क्या होती है वो हमें इस कहानी में बताया गया है। इसके अलावा इस कहानी में तीसरा किरदार आता है जेसप। ये जेसप कौन है? जेसप जो है ये एक विडो है, एक विधवा है, लेकिन इन दोनों के द्वारा, हिक्स और फिश दोनों के द्वारा, पेस्ले फिश और हिक्स दोनों के द्वारा इससे प्यार किया जाता है। और बल्कि ये कहानी इस ये एक ट्राइंगल लव को भी हम कह सकते हैं कि हिक्स और पेस्ले में दोनों में एक शर्त लग जाती है कि इस स्त्री का दिल कौन जीतेगा, कौन इससे शादी करेगा। तो इसी के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी कहानी को जिसका नाम है टेलेमेकस फ्रेंड, ओ हेनरीज टेलेमेकस फ्रेंड। ये जो कहानी है ये स्टार्ट होती है मैक्सिको से। एक बार जो राइटर था इसमें, जो मुख्य किरदार यहाँ पर वैसे तो हिक्स और पेस्ले का है, लेकिन इसके अलावा राइटर का भी इसमें रोल है। जो राइटर था वो मैक्सिको से लौट रहा था, और जब वो मैक्सिको से लौट रहा था तो उस समय वो एक होटल में ठहरता है, और जहाँ पर वो होटल में ठहरता है वहाँ पर होटल का मालिक था जिसका नाम था टेलेमेकस हिक्स। और उस होटल के मालिक से उसकी मुलाकात होती है। दोनों बहुत ही अच्छी तरह बातें करते हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, लेकिन उसी समय लेखक का ध्यान टेलेमेकस के कान की तरफ जाता है। और जो टेलेमेकस का कान था वो ऐसा लग रहा था जैसे मानो किसी जीव ने या किसी जानवर ने कुचल दिया हो या काट लिया हो, इस प्रकार से उसका कान कुचला हुआ लग रहा था। तो तब उसने, ओ हेनरी ने टेलेमेकस से पूछा, भाई आपके कान को क्या हुआ, आपके कान में क्या दिक्कत थी कि मतलब ये ऐसा हो गया, क्या किसी जानवर ने तुम्हारे कान पर काटा था या किसी ने तुम्हारे कान को कुचला था? तो तब उसको हंसी आ जाती है टेलेमेकस को, और वो कहता है कि ये जो कान का किस्सा है ना, ये बहुत ही पुराना किस्सा है, और इस किस्से से जुड़ी है मेरी एक कहानी, और कहानी भी किसकी, मेरी दोस्ती की कहानी इस किस्से से जुड़ी हुई है। तो राइटर उस कहानी में इंटरेस्ट लेता है। लेखक उससे कहता है कि क्या तुम मुझे इस कहानी को सुनाने का कष्ट करोगे, क्योंकि मुझे तुम्हारी कहानी में दिलचस्पी लग रही है, मुझे ये किस्सा बड़ा रोचक लग रहा है, तो प्लीज़ मुझे इसके बारे में कुछ बताइए। तो टेलेमेकस राइटर के इस एक्साइटमेंट को देखकर उसको अपनी इस कहानी, अपने इस किस्से को बताने के लिए तैयार हो जाता है कि किस प्रकार से उसका जो कान था वो कुचला गया था और उसको क्या हुआ था। और वो कहता है ये कहानी नहीं बल्कि एक दोस्ती की मिसाल है, ये दोस्ती है, मेरे दोस्त के साथ एक दोस्ती थी। लेकिन वो ये कहता है कि दोस्ती की मिसाल जो इंसानों में होती है ना, वो कम ही देखने को मिलती है, वो कम ही देखने को मिलती है। और वो एक ऐसा उदाहरण देता है कि ऐसा जो मिसाल है ना, वो एक बंदर और एक आदमी के बीच में तो देखा जा सकता है। और वो बताता है कि एक किस्से को कि कनेक्टिकट में जो आदमी और बंदर थे ना, वो एक दूसरे के जो नारियल्स थे, कोकोनट्स थे, उनको शेयर कर लेते थे। जबकि अगर जो हम देखें इंसानों की बात करें तो यहाँ पर ऐसा बहुत कठिन ही होता है कि वो आपस में एक सच्ची मित्रता को निभा सकें। तो वो अपनी कहानी बताता है, वो ये कहता है कि एक बार वो सेंट एंड्रिस के पर्वतों में था, पर्वतों के पास था, और अपने दोस्त के साथ था वो। उसका दोस्त भी उसके साथ था जिसका नाम था पेस्ले फिश। पेस्ले फिश जो है वो उनका पक्का दोस्त था टेलेमेकस हिक्स का, और ये उस समय एंड्रिस के पर्वतों के पास में रह रहे थे। वहाँ पर, उस स्थान पर इनकी मुलाकात एक स्त्री से होती है।
जो देखने में लंबी थी, सुंदर थी और बहुत ही आकर्षित थी, अपनी तरफ आकर्षित करने वाली एक महिला, उससे मुलाकात होती है। दोनों उसको देखकर बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। एक तरफ टेलीमिकस हिक्स उसकी तरफ आकर्षित होता है, दूसरी तरफ पेस्ले फिश भी उसकी तरफ आकर्षित होता है। टेलीमिकस पेस्ले से पूछता है कि क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मेरे दिमाग में चल रहा है। पेस्ले कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं भी इसी स्त्री के बारे में सोच रहा हूँ कि ये कितनी सुंदर है और कितनी आकर्षित ये स्त्री है। और तभी उनको पता चलता है कि जो स्त्री है इसका नाम जेसप है, इस स्त्री का नाम जेसप है। और वो जेसप जो स्त्री थी उसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे, दोनों के दोनों आकर्षित हो रहे थे। और तभी दोनों सोचते हैं, भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम दोनों ही इससे प्यार करें, ये तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि लेकिन बात ये थी, पेस्ले कहता है कि मैं उससे शादी करना चाहता है। उस दूसरी तरफ टेलीमिकस जो है हिक्स, वो भी कहता है, यार शादी तो मैं भी इससे करना चाहता हूँ, ये तो मेरी ही लाइफ पार्टनर बनेगी, क्योंकि इस जैसी स्त्री को मैंने ना तो कभी देखा है और अब जब देखा है तो मैं इससे शादी करूँगा। और ये जो स्त्री थी जेसफ, ये एक विडो थी, ये एक विधवा स्त्री थी जिसे, मतलब जिसको ये पसंद कर रहे थे। तो तभी जो है ये दोनों के दोनों एक शर्त लगाते हैं, एक वो करते हैं कि भाई दोनों ही जो है ना, वो दोनों कोशिश करेंगे उसको आकर्षित करने की, और जो इस कार्य में सफल हो जाएगा, जो भी इस कार्य में सफल हो जाएगा उसकी जेसप हो जाएगी, जेसप जो है वो उसकी हो जाएगी जो भी इसको आकर्षित करने में सक्सेस हो जाता है। अब दोनों अपनी कोशिशें चालू कर देते हैं और दोनों उसमें पूरा दम लगा देते हैं। और वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम जीतें या हारें, क्योंकि हमारी दोस्ती जीतेगी, जिसको भी मिलेगी वो औरत कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो है वो उनके दोस्त को मिलेगी। लेकिन उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था, भाई कर्म जरूर करेंगे, कार्य जरूर करेंगे हम, कि हमें अपनी कोशिशें जरूर करनी है और कोशिश से जिसके प्रति भी वो आकर्षित होगी वो उसी की ही कहलाएगी। तो दोनों दोस्तों ने जो है कोशिश करी और उनमें से दोनों के दोनों जो हैं वो जेसप के समीप जाने की कोशिश करते हैं। और तभी इसी प्रकार से जो है, जब वो इस प्रकार की कोशिश कर रहे थे, उनके पास जाने की कोशिश कर रहे थे, तो जेसप जो है वो उसकी बातों को भांपने लगती कि मतलब ये क्या चाहते हैं। और उन दोनों ने ये डिसाइड भी किया था कि वो जब दोस्ती करेंगे उससे या फिर उससे प्यार का हाथ बढ़ाएंगे, तो उस समय जो जेसप है, जेसप को वो किसी भी रूप में हर्ट नहीं करेंगे। और यहाँ तक कि दोनों ने ये भी वादा किया था कि वो इस प्रकार से उसके हाथ को पकड़ेंगे कि उसको मालूम ना चले, कि उसको ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे वो उस हाथ को। और इसमें क्या होता कि एक कोशिश करता तो दूसरा अपने टर्न का इंतज़ार करता, कि उसका नंबर आएगा वो उसके लिए इंतज़ार करने लगता, दूसरा इंतज़ार करता और जो पहला था वो उसको कोशिश करता अपने कार्य को करने की। अब ये दोनों इतने क्लोज थे कि कभी कोई तो कभी कोई उसके नज़दीक आ रहा था जेसप के, तो अब जेसप को लगा कि ये दोनों मतलब क्या कर रहे हैं, उसको उनकी दोस्ती समझ में नहीं आई, जेसप को उनकी दोस्ती जो थी वो समझ में नहीं आई और वो इरिटेट सी होने लगी, वो उनसे चिड़चिड़ी रहने लगी। तो एक दिन उसने बल्कि हिक्स से ये भी कह दिया, जो टेलीमिकस हिक्स था उससे ये भी कह दिया कि वो जो है ना, वो एक क्या कहते हैं, अच्छा पति कभी नहीं बन सकता, वो अच्छा पति कभी नहीं बन सकता। वो उसने इस वजह से कहा था कि वो उससे शायद पीछा छुटाना चाहती थी। और लेकिन बाद में पेस्ले भी कोशिश करता है, पेस्ले फिश को कोशिश करता है, और फाइनली जो ये जेसप होती है ये अपना दिल टेलीमिकस हिक्स को दे बैठती है। और वो ये कहती है कि टेलीमिकस हिक्स ने मेरा दिल जीत लिया है, और वो डिसाइड करती कि वो टेलीमिकस हिक्स से ही शादी करेगी। अब शादी की तैयारियां पक्की हो जाती हैं, दोनों की शादी की तैयारियां, हिक्स और जेसप जो हैं दोनों शादी करने वाले हैं। इसी बीच में जब ये शादी कर रहे होते हैं तो फादर जो है, जो मैरिज सेरेमनी की जो क्या कहते हैं, मैरिज सेरेमनी का जो भी कार्य होता है उसको जब वो अंजाम दे रहे होते हैं, तो उस समय टेलीमिकस हिक्स फादर से रुकने के लिए कहता है। और वो कहता है कि अभी थोड़ा सा इंतज़ार करें और विवाह में थोड़ा सा अभी विलंब होगा। तो फादर उससे पूछता है कि क्यों, ऐसा क्या कारण है जो विलंब होगा, तो वो कहता है कि मेरा दोस्त पेस्ले फिश अभी नहीं आया है,
पहले पेसले फिश को आने दें, मैं तभी शादी करूंगा। तो फादर पूछते हैं कि पेसले फिश क्यों नहीं आया है। तो हिक्स कहता है कि इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता ये क्यों नहीं आया है, लेकिन वो आएगा जरूर मेरी शादी में, ऐसा हो नहीं सकता वो ना आए। लेकिन तभी जेसफ ये कहती है कि शायद वो ना आए क्योंकि वो चिढ़ रहा हो कि तुम्हारी शादी मुझसे हो रही है, उसको इस बात की जलन हो सकती है कि वो इस वजह से इस शादी में समारोह में ना आए। तो हिक्स को पूरा विश्वास होता है, कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, अभी कुछ क्षण उन्हें इंतज़ार करना होगा। इसी बीच में जो है पेसले का दृश्य आता है। पेसले जो है शादी में जाने के लिए वस्त्रों की तैयारी कर रहा था, और दूसरी बात ये कि उसके पास जो थे वस्त्र वो अच्छे वस्त्र पहनकर जाना चाहता था शादी में, और दूसरा उसको ये भी था कि भाई मेरे दोस्त से शादी हो रही है कि कहीं वो मुझसे शादी ना कर ले, तो ये भी प्रश्न उसके दिमाग में था कि कहीं वो मुझसे शादी ना कर ले, तो वो इस वजह से भी उसमें विलंब कर रहा था। और दूसरी बात ये कि जो कपड़े थे उसके तैयार नहीं थे, तो उसने जो कपड़े थे वो प्रेस्ड कपड़े वो एक दुकान में सेंध मारकर पहने थे, वो कपड़े जो वो शादी में पहनकर आया था। अब पेसले वहाँ पर शादी में आ जाता है और उनकी शादी संपन्न होती है। शादी संपन्न हो गई और अब बात आती है शादी वाली रात की। ये मैरिज नाइट का सीन है, और जो वेडिंग नाइट का ये सीन है इसमें क्या होता है कि दोनों यहाँ पर जो है वो शादी कर चुके हैं, यहाँ पर हिक्स की और जेसफ की शादी हो चुकी है। इसके बाद जेसफ जो है वो कमरे में चली जाती है, वो अपने कमरे में चली जाती है। इसी बीच में हिक्स जो है वो कमरे के बाहर बैठ जाता है। जेसफ उसका इस अजीब से व्यवहार को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। वो कहती है कि ये हमारी फर्स्ट नाइट है और इस रात्रि में ये जो हिक्स है ये बाहर क्यों बैठा हुआ है। तो वो इस बात को समझ नहीं पाती। तब वो हिक्स से पूछती है, हिक्स के पास आती है और वो टेलीमेकस हिक्स से पूछती है कि भाई क्या कारण है तुम्हारा कि तुम बाहर क्यों बैठे हुए हो, तुम्हें अब तो अंदर आना चाहिए। तो हिक्स उससे कहता है कि मैं बाहर, देखिए यहाँ पर दोस्ती का कितना बड़ा एक उदाहरण देखने को मिलेगा कि अपनी सुहाग रात वाले दिन भी जो हिक्स है वो इंतज़ार कर रहा है पेसले फिश का, अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा है। और वहाँ पर वो उसको एक अजीब सा हास्यात्मक एक जवाब ये देता है कि मैं अपने दोस्त पेसले फिश का इंतज़ार कर रहा हूँ, वो जल्दी आएगा, जब वो आ जाएगा तब मैं कमरे में तुम्हारे साथ अंदर आऊँगा। और इस बात को सुनकर ऐसा लगता है उसको, मतलब जो इसकी वाइफ है जेसफ को इतनी इरिटेशन सी होती है, वो कुछ सोच नहीं पाती कि वो क्या करे। तभी वो एक झाड़ू लेकर आती है और उस झाड़ू को जो है ना इस तरह से जैसे गोली चलती है उस तरह से उसके कान पे देके मारती है और उसका कान जो है वहाँ से घायल हो जाता है और बुरी तरह से कुचल दिया जाता है। क्योंकि वो इसलिए मारती है भाई कोई सुहाग रात वाले दिन क्या अपने दोस्त का इस तरह से इंतज़ार करता है कि वो कमरे के बाहर बैठ कर इंतज़ार कर रहा था, और इस प्रकार से उसका कान कुचल दिया जाता है। और ये जो मिसाल बन जाती है कहानी, एक सच्ची दोस्ती की मिसाल बन जाती है कि दोस्ती यहाँ तक भी हो सकती है, इस हद तक भी दोस्ती जा सकती है। तो एक ऐसी दोस्ती की कहानी थी ये, टेलीमेकर्स फ्रेंड बाय ओ हेनरी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। ये कहानी BA फर्स्ट ईयर CCS यूनिवर्सिटी में लगी हुई है, इसके अलावा अन्य यूनिवर्सिटीज़ में भी ये कहानी चल रही है, और लिटरेचर के जो लवर्स हैं उनके लिए भी ये कहानी बहुत अच्छी है। तो प्लीज़ अगर आपको ये अच्छा लगा हो या फिर मेरी अन्य कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट हापुड़।